भारत माता की, भारत माता की। मेरा यह सौभाग्य है कि इस अवसर पर मुझे देश भर के 5000 जन औषधि केंद्रों से संवाद करने का अवसर मिल रहा है। यानी एक प्रकार से हिंदुस्तान के हर कोने में आज बहुत महत्वपूर्ण लोगों से मेरी बात हो रही है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इस योजना के आप सभी लाभार्थियों को और इससे जुड़े सभी कर्मयोगियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। गरीब और मध्यम वर्ग के उत्तम स्वास्थ्य के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयासों की दिशा में आज का ये दिवस एक अहम पड़ाव है। इसलिए सरकार ने आज के दिन को, यानी 7 मार्च को, हर वर्ष जन औषधि दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। साथियों, जन औषधि के माध्यम से बीमारी के संकट में घिरे लाखों परिवारों को राहत पहुंचाने का ये प्रयास किया जा रहा है और मुझे एहसास है कि बीमारी के कारण एक परिवार कितनी मुसीबतों से गुजरता है। बीमारी परिवार के एक सदस्य को घेरती है, लेकिन शारीरिक पीड़ा शायद एक को होती है, लेकिन बाकी अनेकों प्रकार की पीड़ाएं परिवार के हर सदस्य को झेलनी पड़ती है। यानी एक प्रकार से बीमारी पूरे परिवार को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बच्चों की आवश्यकताओं के संदर्भ में जकड़ लेती है। यही कारण है कि हमारी सरकार ने कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली, ये उच्च गुणवत्ता वाली बात में बड़ा महत्व है, ऐसी दवाइयां उपलब्ध कराने का निर्णय किया। साथियों, इसके लिए सरकार ने 2 बड़े कदम उठाए। पहला, सामान्य उपयोग की 850 से ज्यादा दवाइयों का मूल्य नियंत्रित किया गया है। हार्ट और नी सर्जरी जैसे उसके साथ जुड़े हुए जो चीजें खरीदनी पड़ती हैं, बड़ी डेलिकेट चीजें होती हैं, बहुत महंगी होती हैं, उसका दाम सस्ता किया गया है। दूसरा, पूरे देश में जन औषधि केंद्रों की एक श्रृंखला स्थापित की गई, जहां उच्च गुणवत्ता वाली 800 से ज्यादा दवाइयां बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध हैं। केवल जन औषधि के माध्यम से ही इसी वर्ष लगभग 1000 करोड़ रुपए की बचत आप जैसे लाखों परिवारों को हुई है, और अभी तो उसका ज्यादा प्रचार भी नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है। और हमारे सामान्य परिवार के 1000 करोड़ रुपया बच जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, जन औषधि केंद्रों पर जो दवाएं मिल रही हैं, वो बाजार भाव से
50 से 90 प्रतिशत तक सस्ती है। कुछ दवाइयां 100 रुपये वाली 50 में मिलती है तो कुछ दवाइयां 100 रुपये वाली 10 रुपये में मिलती है। साथियों, गरीब और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए हमने किस तेजी के साथ काम किया है उसके बारे में भी आप सभी को, देश की जनता को जानना बहुत जरूरी है। और इस योजना का प्रचार, ये सरकार का प्रचार है, ऐसे भ्रम में न रहें, ये मानवता का काम है, गरीब की मदद करने वाला काम है। और इसलिए मैं तो मीडिया को भी आग्रह करता हूं कि इस योजना का जितना प्रचार करेंगे, आपके अखबार जो पढ़ते हैं, आपका टीवी जो देखते हैं, उनकी आप बहुत बड़ी मदद कर पाएंगे। इस प्रकार की कोशिश, वैसे हर सरकार कुछ न कुछ तो करती रहती है, पहले भी कुछ न कुछ प्रयास हुआ था पिछली सरकार में, लेकिन 2008 से लेकर 2014 तक 6 वर्षों में देश में सिर्फ 80 दुकानें खोली गई, यानी टोकनिज्म, नाम मात्र का, यानी फीफा काट दो, अखबार में फोटो छपवा दो, काम पूरा। सामान्य मानवी को लाभ मिला या ना मिला, योजना फैली कि नहीं फैली, उसमें कुछ कमियां है तो दूर हुई कि नहीं हुई, ये पहले की सरकार का स्वभाव ही नहीं था। 2014 के बाद 5 वर्ष से भी कम समय में 5,000 केंद्र देश भर में खोले हैं, यानी 6 साल में 80। देखिए फर्क कितना है, पुरानी सरकार का काम कैसा, 6 साल में 80 दुकानें, हमारा काम कैसा, 5 साल में 5,000 दुकानें। यही तो फर्क होता है टोकन अप्रोच वाली सरकार में और टोटल अप्रोच वाली सरकार में। साथियों, ये योजना सामान्य जन को सस्ती दवा तो उपलब्ध करा ही रही है, साथ में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रही है। इस योजना की वजह से रोजगार प्राप्त करने वाले भी कुछ साथी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये योजना सही मायने में रोजगार भी है और सेवा भी है। हम हेल्थ सेक्टर में होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम कर रहे हैं और इसलिए हमारा अप्रोच है नो साइलोस ओनली सॉल्यूशंस, नो साइलोस ओनली सॉल्यूशंस। आज भारत में जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ साथ सैनिटेशन मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, उपभोक्ता मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी कदम से कदम मिलाकर के चल रहे हैं। इन सबको साथ मिलाकर हम अपने तय लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आजादी के 65 वर्षों में सिर्फ 7 एम्स बने थे, बीते 5 वर्ष में ही हमने 15 एम्स या तो बन चुके हैं या फिर बनने की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ रही है। इसी तरह देश को उत्तम मेडिकल प्रोफेशनल्स मिले, इसके लिए बीते 4-4.5 वर्ष में 31,000 MBBS और पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें हमने बढ़ाई है। साथियों, स्वास्थ्य ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। स्वस्थ भारत, समर्थ भारत के विजन के लिए हमें अभी और बहुत कुछ करना है। कोई भी गरीब, कोई भी मध्यम वर्ग का परिवार, हर कोई अच्छे और सस्ते इलाज से वंचित ना रहे, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, समर्पित है। पीएम बीजेपी से जुड़े
इस योजना का पूरा नाम है पीएम बीजेपी। पीएम बीजेपी से जुड़े आपने कि क्या अनुभव रहे? आप में से कई लोगों ने इस कारोबार को चलाया होगा, कुछ लोगों ने अपनी दवाइयां ली होगी। मैं सीधा उनसे कुछ जानना चाहता हूं। मुझे जानना इसलिए है कि सचमुच में हम सही दिशा में है कि नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले साल ये बहुत बड़ा टारगेट आपके सामने रखा था और एक साल में इस टारगेट को पूरा किया है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं जरा इस बात को जानना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा और किस प्रकार से हम परिणाम ला सकते हैं। आइए सबसे पहले राजस्थान चलते हैं। हम बीकानेर जा रहे हैं और मुझे बताया गया और मैं देख रहा हूं हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी भी मुझे वहां नजर आ रहे हैं। अर्जुन राम जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत प्रणाम, शुभकामनाएं इस योजना चलाने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बीकानेर से दे रहा हूं, बीकानेर की जनता की तरफ से दे रहा हूं आपको। धन्यवाद भैया। हाँ बताइए, यहाँ कौन बात करेंगे? नमस्कार मोदी जी। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम। मैं करनी सिंह राठौड़ नोखा बीकानेर से। मैं एक 12,000 रुपए की नौकरी करने वाला, प्राइवेट किराने की दुकान में नौकरी करने वाला आदमी जो 10,000 रुपए की पहले खर्चे की दवाई लेता था, वो अब मेरे को 1,000 से 1,200 रुपए में मिल रही है। ये मेरा छोटा बच्चा है, इसको ब्रेन की प्रॉब्लम है जन्म से, और 10,000-8,000 रुपए लगभग महीने के लगते थे। कभी मिस करता था तो 6,000 रुपए, और मिस करनी पड़ती थी क्योंकि 12,000 रुपए में पॉसिबल घर का खर्चा और दवाई मैनेज नहीं कर पाता था। मैं मोदी जी आपका बहुत बहुत आभार, जो मेरे इस बच्चे को तो 10,000 रुपए की दवाई, 10,000 की दवाई जो मेरे को 1,000 से 1,200 रुपए में मिल रही है, और ये मेरा बच्चा जो आपको जिंदगी भर आपका इसके ऊपर आशीर्वाद रहेगा मोदी जी, ये आपको प्रणाम कर रहा है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? बेटा नाम क्या तुम्हारा? लोकेंद्र सिंह राठौड़। अच्छा, आपका नाम लोकेंद्र सिंह है। तो ये दवाई ठीक से लेते हो? दवाई ठीक से लेते हो? जी सर। और कोई योगा वगैरह करते हो क्या? यस सर। हैं? देखिए, तबीयत संभालने के लिए दवाई के साथ भी बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि इस योजना के कारण आपके हर महीना कितना रुपया बच रहा है भैया? सर अब मेरे को 8 से 9 हजार रुपए बच रहे हैं। पहले 8 से 10 हजार रुपए खर्चा होता था। 10-12 हजार रुपए किराने की दुकान में कमाई करने वाला मैं बंदा, जो पहले मैनेज नहीं कर पा रहा था इस दवाई को, और अब यही दवाई मेरे को बीकानेर के पीबीएम सेंटर से, जो प्रधानमंत्री भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से 1,000 से 1,200 रुपए मिल रही है। मैं इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। अच्छा, और इतना पैसा आपका बच रहा है, लेकिन दवाई से संतोष है आपको? जी सर। जी सर, वही साल्ट वही दवाई। और अपने वरना कुछ लोग आपको मिले होंगे कि नहीं नहीं ये मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, ये तो फालतू दवाई दे रहे हैं, हमारी दुकान वाली पहले वाली ले लो, ऐसा भी तो कुछ लोग करते होंगे। जी सर, जो अब मेडिकल के व्यापारी है वो तो बोलेंगे क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही है। नहीं, हमें किसी की दुकान बंद नहीं करनी है भाई। हमें तो गरीब को ये, क्योंकि जिसके घर में ऐसी बीमारी होती है जिसको हर महीना खर्च होता ही होता है, अगर उस परिवार के हम मदद नहीं करेंगे तो वो या तो दवाई बंद कर देगा या तो फिर कर्जदार बन जाएगा। तो हमारी इस योजना का फायदा हर एक को मिले इस दिशा में है। अच्छा, आपने इतना फायदा हुआ तो और ऐसे बीमार लोग हैं, क्या उनको बताया कि भाई देखिए आप इतना खर्चा मत करो, ये दवाई लेने से, इस दुकान से लेने से पैसा भी बचेगा और सही दवा मिलेगी, ऐसा कुछ प्रयास किया क्या? जी सर। जी सर, मैं ये खुद बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि गरीब तबके के जो लोग हैं जो दवाई मैनेज नहीं कर पा रहे भारी पैसे की, उनको प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से दवाई लेने में फायदा है। और मेरी ये आशा है कि जो भी छोटे मोटे अस्पताल है वहां आप जन औषधि केंद्र उसी हॉस्पिटल में खोल दे, ताकि हर गरीब को, हर आदमी को फायदा मिल सके। मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। आपकी आपकी क्या दुकान है?
सर मैं किराने की दुकान में नौकरी करता हूं। आपकी किराने की दुकान पे बोर्ड लगा सकते हो आप? जी सर जरूर लगाऊंगा, मैं तो हाँ, मुहिम छोड़ूंगा ताकि आपके यहाँ किराने की दुकान में जो लोग आए वो भी उनको पता चले कि देखो भाई किराने की दुकान से हम अपना सामान तो ले रहे हैं लेकिन अगर दवाई लेनी है तो यहाँ जाइए ताकि सस्ती दवाई मिलेगी, ये उनको समाचार मिलेगा। तो ये करोगे आप? जी सर जरूर कहूंगा और मैं तो ये टीम बनाऊंगा कि नामुमकिन भी अब मुमकिन है। शाबाश, हर बीमार को दवाई मिले, हर बीमार को दवाई मिले, इलाज यहाँ पर। यहाँ दुकान चलाने वाले कौन सज्जन है, किसकी दुकान से आप माल लेते हैं? मनोज जी, मनोज अभी पीबीएम में जो अभी अपने हॉस्पिटल में है और वैसे हमारे सुपरिटेंडेंट साहब बैठे हैं यहाँ, लोकप्रिय हमारे यहाँ सांसद साहब जी बैठे हैं जो हमारे को बहुत नहीं, मुझे बताइए जिसकी दुकान है, मैं जरा उनसे बात करना चाहता हूँ। जी सर करिए। हाँ बताइए भैया, क्या नाम है? बोलो बोलो आप, बोलो। नमस्कार मोदी जी। नमस्ते भैया। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? मनोज गर्ग सर। मनोज जी, आपके अपना ये दुकान है? नहीं सर। तो आप क्या करते हैं? सर मैं फार्मासिस्ट हूँ यहाँ। अच्छा फार्मासिस्ट है, लेकिन इस जन औषधि केंद्र की जो दुकानें हैं उसका कोई काम आप देखते हैं क्या? हाँ जी हाँ जी। लोग वहाँ जाए हॉस्पिटल में ऐसा दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल से सीधे इसके यहाँ जाए इसका प्रयत्न करते हैं? सर ये अपना हॉस्पिटल कैंपस में ही है जन औषधि केंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बीकानेर को धन्यवाद। आइए चलिए हम सूरत चलते हैं। नमस्ते सूरत। मुझे पहले बात करनी है जो इस वहां पर जन औषधि केंद्र दुकान चलाते हैं, जो दवाई बेचते हैं, ऐसे कोई सज्जन हो तो मेरे पहले उनसे अनुभव जानना है। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आज से 3 साल पहले एक्चुअली मैं मार्केटिंग का धर्मेश शाह। हाँ धर्मेश शाह नाम है। हाँ बताइए सर, आज से 3 साल पहले मैं मार्केटिंग में जॉब करता था लेकिन उसके बाद में फिर मेरी जॉब नहीं रही और 2 साल पहले मुझे इस योजना के बारे में पता चला और मैंने अप्लाई करके ये स्टोर लिया। मेरे मित्र के सहयोग से मैंने ये स्टोर शुरू किया था सर, मेरे पास और कोई काम तब नहीं था लेकिन आज 2 साल के बाद लोगों का मुझे इतना सपोर्ट मिला कि आज गुजरात में मेरा नंबर 1 स्टोर है और आज हमारे यहाँ और 4 लोग यहाँ पे काम भी करते हैं। तो न सिर्फ मुझे काम मिला लेकिन मेरे यहाँ पे और 4 लोगों को जिसमें 3 फार्मासिस्ट है, मेरे पार्टनर भी मेरे साथ में है और एक भी और भाई साहब है, तो हम लोगों को सबको ये काम भी मिला। तो हमारे लिए तो सर ये योजना आशीर्वाद रूप है। लोग आपके यहाँ जो दवाई लेने आते हैं उनको उनके मन में सवाल नहीं होता है कि बाजार में तो दवाई 10 रुपये में मिलती है, तुम तो 3 रुपये में बेचते हो तो तुम्हारी दवाई तो सही नहीं होगी, गलत होगी, झूठी होगी, ऐसे लोग नहीं करते हैं। अच्छा सपोर्ट मिला कि हम जिसके भी लिए भी हम सर्टिफिकेट वगैरह भी मांगते थे तो अपने डिपार्टमेंट से हमको मेल पे सर्टिफिकेट्स भी मिलते थे जो हमारे पास में है और हम उनको कंटेंट दिखा के ये दवाई देते भी थे, तो धीरे धीरे लोगों का इस पे सर विश्वास आ गया है सर। और आज की डेट में जो लोग दवाई लेके गए पिछले 1 साल से मानो लेते होंगे तो वो बिल्कुल डंके की चोट पर कहते हैं कि भाई मुझे तो इसी दवा से फायदा हुआ है, ये दवाई सही है, सस्ती है इसलिए खराब है, ऐसा मत सोचो, ऐसा कहने वाले हैं क्या आपके? जी सर बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए आपको साल में 1-2 बार ऐसे आपके ग्राहकों का एक सम्मेलन करना चाहिए, छोटा सा सम्मेलन, और वो फिर बताएं लोगों को ताकि क्या गरीब आदमी का फायदा हो। आइए आपके पास जो दवाई खरीदने के लिए आते हैं ऐसा कोई सज्जन है जिससे मैं बात कर सकता हूं? जी सर यहाँ पे बैठे एक्चुअली 70% लोग हमारे केंद्र से ही दवाई लेते हैं और मेरे साथ में श्री किशोर भाई है। हाँ किशोर भाई नमस्ते। प्रधानमंत्री जी नमस्ते। नमस्ते बताइए। मेरा नाम किशोर भाई शाह है, मैं सूरत से रहता हूँ। मेरे को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है। मैं पहले बाहर से दवाइयाँ लेता था तो 2000 रुपये का खर्चा था, फिर ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र
की दुकान खुली तो वहां से लेता हूँ तो 700 रुपये में आ जाती है, ऐसे मेरा 1300 रुपये की बचत होती है। मैं आप और आपके मंत्रिमंडल का सबका बहुत आभारी हूँ। अच्छा, आपने किशोर भाई औरों को बताया क्या कि आपका इतना पैसा बच रहा है? बताते हैं। और कितने लोग आपके कारण गए होंगे पैसा बचाने का काम कर रहे हैं? काफी लोग जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत जल्दी ठीक हो जाइए। भगवान करे आपकी दवाइयां लेनी ना पड़े, लेकिन हमारी कोशिश है कि गरीब आदमी को ये दवाई का जो बोझ आता है उसे बचाना है, इसलिए मैं ये सारा काम कर रहा हूँ। चलिए, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। आइए हम नई दिल्ली चलते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। मेरा केस कल्होत्रा दिल्ली से। प्रणाम। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। मैं पिछले साल मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, उसकी वजह से मुझे काफी महंगी महंगी दवाइयां खानी पड़ी, जिसका मासिक में 5000 रुपए का बिल बन जाता था। अब जब से मैंने प्रधानमंत्री जनौषधि की दवाई लेनी स्टार्ट की है तो मेरा खर्चा 600 रुपए में आ गया है। और मेरी पहले कितना होता था? 5000 रुपए का खर्चा आ रहा था। तो कितना पैसा बचा? 4400 रुपया। अच्छा, यानी करीब करीब 5000 रुपया बच गया जी। हाँ, अच्छा, और लोगों से बात होती है क्या इस विषय में आपकी, क्या सस्ती दवाई? क्योंकि कई लोग आपको डराते होंगे, अरे भाई ये सस्ती दवाई मत लो, ये तो मर जाओगे तुम, ये तो झूठी दवाई होगी, सही दवाई नहीं होगी, ये पता नहीं मोदी जी क्या लेकर के आए हैं, ऐसा नहीं कहते लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने अपने साथ 300 लोगों को और जोड़ लिया है, जिनकी मैं हर संडे जाकर दवाई लेके आता हूँ। अच्छा, आप खुद जाकर के आते हैं? हाँ जी, हाँ जी, उनके लिए लेके आता हूँ, उनको देता हूँ। तो उनको समझाता हूँ कि सेम इसमें सॉल्ट है, इसका सेम एमजी चेक करना है और आप ये दवाई ले सकते हैं, क्योंकि जो जेनिक दवाई है और पेटेंट दवाई है उसमें सिर्फ रेट का ही फर्क होता है, बाकी उसका स्वाद, उसका रंग रूप जो भी है अलग हो सकता है, लेकिन उसकी जो पावर है वो सेम होती है। अच्छा, ये लोग समझने लगे हैं अभी? हाँ जी, उनको समझाता हूँ। आप जाते होंगे तो लोग कहते होंगे तुम्हें कमीशन मिलता है इसलिए आ रहे हो, ऐसा नहीं करते? लेकिन उनको बताता हूँ, भैया जी मैं सेवा के लिए ये काम करता हूँ। हाँ। इसमें कोई मेरा लालच नहीं है, मैं सेवा भावना से ये काम कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि हमारा देश ऐसा है, विश्वास भी कभी कभी सच्चा इंसान सेवा भाव से करे तो भी कुछ ना कुछ लोग उसके बेचारे पर सर पे कुछ ना कुछ मर देते हैं। नहीं, लोगों का काम तो है जी कहना, वो कहते रहेंगे, अगर ऐसा देखेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आपके यहाँ ऑनर कौन है, ये जो आपके यहाँ से जिस दुकान से आप लेते हैं? सर नमस्ते, मैं रोबिन शर्मा। हाँ, द्वारका सेक्टर 6 से शॉप ओनर हूँ सर। कब से शुरू किया, कैसे किया, क्या क्या हुआ जरा बताइए ना सर। जब से हम लोगों ने आपको बहुत ही क्लोजली फॉलो करना चालू किया और जानकारी मिली कि जन औषधि केंद्र पर जो दवाइयाँ आप उपलब्ध करवा रहे हैं भारत सरकार के माध्यम से, वो बहुत ही सस्ती दरों पे मिल रही है। द्वारका एक बहुत ही पॉश लोकेलिटी है और यहाँ पे बहुत ही स्वास्थ्य सेवाएं काफी महंगी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह की, और फिर जो दवाइयाँ मिलती थी बहुत महंगी थी, लोग बहुत त्रस्त थे। मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ। बाद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, हमको जनसेवा के भाव से जो आप मार्ग प्रदर्शित कर रहे हैं उस पे चलते हुए लोगों की सेवा करने के लिए हमें भी जन औषधि केंद्र खोलना चाहिए, तो हम लोगों ने इसको आरंभ किया है सर। तो अभी आपका कारोबार चलता है, कितने लोग काम करते हैं आपके यहाँ? सुनाई देता है? हैंगअप हो गया शायद। चलिए, आइए हम लखनऊ चलते हैं। तो हमारे मंत्री श्री मनसुख भाई भी वहां है। हाँ बताइए भैया। आपकी आवाज नहीं सुनाई रही है। टेक्निकली जो जानते होंगे उनको पता होगा, चेक करिए भाई। हाँ, आप सुनाई दे रहा है। सर, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ आ रही है, बिल्कुल बढ़िया आ रही है। सर नमस्कार, मैं विनय शुक्ला लखनऊ से। सर मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र मैंने खोला है, 2 साल हो गए मुझे,
और इससे के अलावा लखनऊ में मेरी पहले से ब्रांडेड लखनऊ में चेन है हमारी दवाइयों की ब्रांडेड की। लेकिन होता क्या था सर, कई बार बहुत सारे ऐसे मरीज आते थे जो दवाई के दाम पूछते थे मगर खरीद नहीं पाते। तो धीरे 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 जैसे हमने बाजार में पता किया, क्योंकि अपने को बड़ी तकलीफ होती थी कि ये आदमी बिना दवाई खाए जो है चला जाएगा, तो जो इसकी मदद हो सके वो करें, तो सर बहुत हम मदद कर देते थे। तो कभी खरीद दाम पे दे दी, कभी देखा बहुत आवश्यकता वाला कोई आदमी है तो उसको हमने फ्री दे दी। लेकिन सर इतना हम कितना कर देंगे, परमार सर एक सीमा तक ही कर सकते थे, इसके बाद संभव नहीं था सर। और कई बार सर गांव में कि हम लोग रहने वाले हैं तो कई बार गांव गए, पूछे, पता किया फलाने का क्या हुआ, कहीं साहब उनको तो कैंसर हो गया था, वो तो मर गए, 2 बीघा खेत भी बेचना है, खेतों चला गवा और जमीन जो है वह चले गए, चाचा चले गए या बप्पा चले गए। तो सर बड़ी तकलीफ होती थी कि कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कम से कम हम लोगों के साथ कुछ ऐसा कर सकें जिससे हाँ लोगों को ये लगे कि हाँ दवाइयाँ सस्ती मिल रही हैं, हम खरीद के खा तो पा रहे हैं। सर बहुत सारे मतलब हमारे तो बगल में सिविल अस्पताल है सर, रिक्शा वाला आता था पूछता था 10 तरह की दवा लिखी है, पूछता था भैया ये कौने चीज किया, ये कौने चीज किया, ये कौने चीज किया, अगर बता दिया हमने कि ये ताकत की है, ये एंटीबायोटिक है, ये गैस की दवाई है, क्योंकि सर एंटीबायोटिक लिखेंगे तो 10 तरह की दवाइयां साथ में और लिखनी पड़ेंगी उसके साइड इफेक्ट को रोकने के लिए। तब दवाइयों के बारे में पूछता था, फिर कहता था अच्छा ये दर्द वाली दवाई भैया दे दो और ये बुखार वाली दे दो, बाकी दवाई ना देना क्योंकि अभी हम पैसा बाद में लेके आएंगे, ले जाएंगे 2 खुराक हमें दवाई दे दो, दवाई लेके सर चला जाता था। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाँ मरीज पर्चा लेके आया हो कोई रिक्शे वाला ये लेबर और दवाई पूरी लेके गया हो। तो सर 2-2.5 साल पहले हमें इसके बारे में पता चला सर, हमने जो सर सबसे बढ़िया लोकेशन थी जहां पर सबसे ज्यादा गरीब मरीज दवा ले सकते थे, जहां पर दुकान का किराया कम से कम 2.5 लाख रुपया महीना है सर, वहां हमने इस तरीके की एक बहुत बड़ी दुकान खोली सर। मैं कैमरामैन साहब को एक सर निवेदन करूंगा कि आपको दुकान दिखाएं सर कि किस तरीके की हमने की है, क्योंकि यहां पर अब हम रोज कम से कम 250 से 300 मरीजों को रोज दवाइयां देते हैं। और जब आदमी को हम दवा देते हैं और आदमी हमसे 3 बार पूछता है भैया ठीक से जोड़ लियो है, इतने की दवा है, ये तो बहुत कम लग रहे हैं, ये तो 150 रुपया में मिली जा रही दवाई, पहले तो हमको 3,000 की आती थी, कोई कहता था 10,000 की आती थी। तो सर उसके बाद जो आदमी अब हमारी दुकान को सर लोग ये कहते हैं मोदी जी की दुकान, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से इन लोगों ने नाम बदल दिया है यहाँ की पब्लिक ने और इस दुकान का नाम कर दिया है मोदी जी की दुकान। तो सर मैं ब्रांडेड की दवाइयों के साथ साथ सर हमने ये जेनरिक का जो काम किया है इससे सर मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि लोगों की इतनी दुआएं मुझे मिल रही हैं जिसका मतलब मैं सर किसी कोई भी काम करता कुछ भी करता सर, लेकिन इतनी लोगों की दुआएं मुझे कभी ना मिलती जितनी इस दुकान को खोलने से, आपके माध्यम से जो मैंने लोगों की सेवा का काम किया है सर शुरू। मुनाफा उतना ही है सर, आज नहीं तो कल सर 2-2.5 हजार कस्टमर का हमारा है कि 2 से 2.5 हजार लोगों को हम कम से कम यहाँ अपने पास बुलाएंगे और उनको इसको कैटर करेंगे, इसके माध्यम से हम लोग समय समय पर लोगों को। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे ढंग से विषय रखा। आपके यहाँ कोई बेनिफिशियरी है जो मुझे बता सकते हैं जिन्होंने दवाइयां ली हो, फायदा उठाया हो? जी सर मैं दे रहा हूँ। हाँ बताइए सर। हाँ आपका नाम? हाँ, आपका नाम अब्दुल गफ्फार रायनी। बताइए अब्दुल जी। हम दवाई ये आपकी दुकान से दवाई ले रहे हैं, यहाँ हमें बहुत कमी महसूस हुई, बहुत पैसे कम, हम 2-3 हजार रुपए कमाने वाले आदमी यहाँ पे हम 300 हार्ट परसेंट हैं, 3-4 हजार महीने की हमारी सैलरी है और उसमें कम पैसा पैदा करने वाले भी हम 300-400 रुपए महीने की हार्ट परसेंट हैं, उसकी दवाई मिलती, लेकिन यहाँ पे आज 43-44 रुपए जब भी आते हैं तो इतनी इतनी दवाई लेते हैं हम। हाँ 43-44 रुपए की दवाई मिलती है एक महीने की, बहुत कम पैसे में सारा काम होता है। तो पैसों की बचत हो रही है। बचत हो रही। चलिए अच्छा लगा मुझे। और अच्छा कौन है, और कोई बात करना चाहते हैं? जी सर, आदरणीय प्रणाम सब, मैं अशोक मेहरा बोल रहा हूँ सब लखनऊ से। मेरा नाम अशोक कुमार मेहरा है, मैं कपड़े की दुकान में नौकरी करता हूँ सर, छोटी सी दुकान है, उसमें मैं सेल्समैन हूँ सर, और मेरी उम्र 65 वर्ष की है, मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे सर किडनी खराब है, मेरे को हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है और प्रोस्टेट प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत सी प्रॉब्लम हो गई सर। हुआ ये कि मालिक ने कहा भैया ये तो कभी आता है कभी आता है, इसको भी निकालो बाहर करो, तो सर मुझे भी नौकरी छोड़नी पड़ी 3 महीने पहले,
और बहुत ही बुरा हाल था मेरा, और मेरी 6000 रुपए महीने की दवा आती थी। ये सर आपकी दुकान या मोदी जी की दुकान नाम से ही फेमस है, भाई विनय शुक्ला जी ने जो बात करी, 603 रुपए की सर मुझे दवा मिलती है, 6000 रुपए की दवा पात्र 603 रुपए की। दिल से सर दुआ आपके लिए निकलती है, भगवान करे आप खूब पुण्य कमाएं और खूब आगे बढ़े, ये मेरे दुआ है ईश्वर से आपके लिए। प्रणाम सर। चलिए अशोक जी आप भी जल्दी ठीक हो जाएं, इतना सारा कष्ट आपको हो रहा है और सारी बीमारी आपने पाल के रखी है, तो आपको कितनी दिक्कत होती होगी इसका मैं अंदाज लगाता हूँ। महीने का और अब 603 रुपए में दवा 90% सर, और हम पति पत्नी दो ही आदमी और मुझे ही कमाना है, तो भगवान की दया से आपके आशीर्वाद से तब निकल रहा है सर, और बहुत प्रसन्न है हम लोग। चलिए आपको परमात्मा आशीर्वाद दें आपको। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात कर करके, आप लोगों ने सचमुच में ये जन औषधि केंद्र जो है वो हर किसी की मदद करेगा, गरीब की तो करेगा, मध्यम वर्ग की भी उतनी मदद करेगा, और कभी कभी जो गरीब व्यक्ति दवाई लेता नहीं है उसके कारण मुसीबतें आती है, 5 दवाइयां लेनी है तो 2 लेता है तो उसके बाद और नया नुकसान हो जाता है, 5 दवाइयां लेनी है तो सबसे सस्ते वाली लेता है, जरूरी वो नहीं लेता है, तो ऐसी सारी मुसीबतों से वो मुक्त हो जाए और आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर ने कही हुई दवाई ले। लेकिन हम एक नागरिक के नाते जिनको इसका लाभ मिला है उन सब ने इस बात का बहुत प्रचार करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि देखिए भाई ये सही दवा है, वो महंगी दवाई और इस दवाई में कोई फर्क नहीं है, ये भारत सरकार की योजना के कारण आपको सस्ते में मिल रही है, आप सस्ती दवाई लीजिए और जितनी जरूरी है इतनी पूरी लीजिए, कम अधिक मत कीजिए, डॉक्टर ने जितना बताया उतना लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे देश का हर नागरिक स्वस्थ हो, मजबूत हो और बड़ी प्रगति करे। तो मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मुझे आप सबसे मिलने का मौका मिला, आप सबसे बात करने का अवसर मिला, क्योंकि ये भी राष्ट्र रक्षा का ही काम है, हमारे देश के नागरिक स्वस्थ हो ये भी राष्ट्र रक्षा का ही काम है, तो उस काम को हम सब मिलकर के करें। और मैं मनसुख भाई, उनका मंत्री परिषद के सारे उनके साथी, उनके डिपार्टमेंट के साथी, राज्यों के भी जो आरोग्य मंत्री वगैरह काम में लगे हैं, राज्य सरकारें जहां जहां इसमें काम में लगी है, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं चाहूंगा कि ये योजना बहुत आगे बढ़े, हर गरीब इसका फायदा उठाए, हर बीमार व्यक्ति उसका फायदा उठाए, ताकि हम महंगी दवाइयों से मुसीबत में न पड़े, दवाइयां लेना बंद न करें और बीमारी को बढ़ाने का काम न कर दें, यही मेरी आप सबसे शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।